रॉयल ओमान पुलिस ने कोविड-19 से निपटने के लिए सर्वोच्च समिति द्वारा लगाए गए संगरोध नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, अलदाखिलिया गवर्नरेट पुलिस कमांड ने सुप्रीम कमेटी के फैसलों का उल्लंघन करने के लिए एक प्रवासी को गिरफ्तार किया जो उस पर लगाए गए संस्थागत संगरोध का पालन नहीं किया। उसके खिलाफ कानूनी उपाय किए जाते हैं। पहले चरण में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन प्राप्त करने वालों की संख्या 27,000 तक पहुंच गई। पहली खुराक में लक्ष्य समूहों के लिए कवरेज दर 95% तक पहुंच गई। दूसरी खुराक के लिए लगभग 22,369 लोगों को टीका लगाया गया था। लक्ष्य समूहों के लिए कवरेज की दर 82% तक पहुँच गयी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमान में 277 नए कोरोना वायरस मामले और 5 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 1,38,206 हैं, जिनमें से 1,29,752 अब स्वस्थ हैं और 1,549 की मृत्यु हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।